Welcome to Simply Lakshmi's Life. क्या आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो इसके लिए सबसे पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ये ब्लैक कलर का हो जाएगा और साइड में जो बेल बटन आता है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। गुड मॉर्निंग, और आज है मोहलया तो मेरे तरफ से मेरे सारे फ्रेंड को सुबह मोहलया की ढेर सारी शुभेच्छा। और आज से ही स्टार्ट हो जाता है पूजा, मतलब लगता है ना कि आज से ही पूरा, मतलब बोलते हैं कि आज से देवी पूजा को स्टार्ट होता है, तो इसलिए मुझे लगता है आज से ही पूजा स्टार्ट हो जाता है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली कृति भी आज, मतलब इस साल बहुत ज़्यादा है उसको, अभी थोड़ा थोड़ा करके वो बड़ी हो रही है ना, तो इसको उसको पता चल रहा है कि क्या है। एक्चुअली मैं उसको बताती रहती हूँ, और कल रात उसने मेरे से मोहलया की स्टोरी सुनी तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और आज सुबह उसने मोहलया देखी भी है, सुबह सुबह उठ गई थी एंड अभी भी वो टीवी के पास ही है, अभी भी देख रही है। उसको बहुत अच्छा लग रहा है, उसके पापा को भी बिठा के रखा है कि पापा देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा, मतलब जो पूजा जो रहता है ना, बीच का जो वीकडे रहेगा उसमें इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन वीकेंड है तो ज़्यादा ही पता चलता है। और हम लोग सोच रहे हैं एक जगह जाने के लिए, देखते अगर होता है पॉसिबल तो डेफिनेटली आप लोगों को भी साथ में लेके जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। अभी तो जस्ट हम लोग उठे हैं मतलब सुबह जो है हमारा स्टार्ट हो गया है। तो चलिए अभी चाय पिया जाए, और पीते के लिए मैं बनाऊंगी दूध। तो चलिए जाने, क्योंकि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एक बच्चे के लिए, मतलब हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको पता रहे कि मतलब कैसे हम लोग सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं। तो इसीलिए मैं ज्यादा इस सब चीजों में इन्वॉल्व रहती हूँ, ज्यादा मैं ये सब चीजें घर में सेलिब्रेट करती हूँ। जहाँ भी बैंगलोर में जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं वही जाती हूँ, हम लोग वही चले जाते हैं, है ना। जैसे कहीं कहीं जगह पे ना बैंगलोर में आज भी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये वीकेंड है, क्योंकि नॉर्मली वीकडे तो किसी को टाइम नहीं मिलता इतना, ऑफिस स्कूल ये सब रहता है, तो वीकेंड है। वीकेंड में इस वीकेंड में भी बहुत सारे जगह में सेलिब्रेशन है, तो हम लोग सोच रहे जाने के लिए। अभी भी कुछ शॉपिंग, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ शॉपिंग बाकी है, तो वही आधा अधूरा जो शॉपिंग है उसको कम्प्लीट करना है। तो देखते हैं अगर हमारा शॉपिंग कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम लोग जाएंगे, और वो एक्चुअली इनऑर्बिट मॉल में हो रहा है। इनऑर्बिट मॉल में फूड फेस्टिवल हो रहा है, यस फूड फेस्टिवल हो रहा है, और वहाँ पे वैरायटी टाइप ऑफ बंगाली फूड जो होता है वो सब मिलने वाला है। और ये फेस्टिवल ना इनऑर्बिट मॉल बैंगलोर की जो व्हाइट फील्ड में है, इनऑर्बिट मॉल वहाँ पे जितने भी बंगाली जितने भी फेस्टिवल रहता है, पोस्ट मेला भी होता है वहाँ पे, मतलब बंगाली जितने भी कल्चर होते हैं ना वहाँ पे सेलिब्रेट होता है। लास्ट ईयर पोस्ट मेला सेलिब्रेट हुआ था, अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, ऐसे चलता रहता है वहाँ पे। और फूड फेस्टिवल तो बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे, कभी कभी बिरयानी का स्पेशल वैरायटी टाइप ऑफ बिरयानी होता है हमेशा, जब भी कुछ फेस्टिवल हो या कुछ स्पेशल मूवमेंट हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ होते रहता है। और आज हम लोग पी रहे हैं कटिंग चाय। तो चलिए अगर आप सुबह सुबह मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो चाय लेके बैठ जाइए, क्योंकि हम करने वाले हैं बहुत सारे बातें, और आज हमारा होने वाले है चाय पे चर्चा होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है चाय पे चर्चा, क्योंकि चाय पीते पीते ना हम लोग बहुत सारे बातें करते हैं जो हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के साथ भी हम लोग शेयर करें। और मोहलया बोलने से जो चीज हम लोगों को बहुत ज्यादा याद आता है वो है पटाखा। हम लोग बहुत ज्यादा पटाखा फोड़ते थे, मजा आता था बहुत। हम लोग का जितना भी दुर्गा पूजा का पटाखा होता था वो पहले ही आ जाता था, मोहलया से पहले ही आ जाता था मोहलया के लिए,
क्योंकि एक्चुअली मैं जब घर में रहती थी ना, मेरा दीदी का एक लड़का था जो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, क्योंकि हम लोग सेम एज के थे। तो हम दोनों क्या करते थे, सुबह सुबह उठ जाते थे और वो महालया के दिन, मतलब महालया की पहली बार जो नाइट होती थी, वो मेरे रूम में मेरे पास आते थे सोने के लिए। तो हम सब एक साथ ही सोते थे, मेरा भैया भी रहता था, तो हम लोग एक साथ सोते थे और सुबह उठ जाते थे पटाखा फोड़ने के लिए। तो 4 बजे उठते थे, उठ के नीचे चले जाते थे, पूरा पटाखा वटाखा 5 बजे तक फोड़ते थे। उसके बाद आके मोहल्ला, जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे ना, तब भी बहुत मजा होता था। हम लोग सुबह उठ जाते थे, फिर 4 बजे उठ के हम लोग, मतलब सब गर्ल्स चले जाते थे, पूरा ग्राउंड था खाली, वहां पे कैंपस था एक्चुअली, कैंपस के अंदर ही था, क्योंकि हॉस्टल में किसी को अलाउ नहीं था बाहर जाने का। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे पूरा जो पटाखे वटाखे फोड़ते थे। आके हमारे जो डाइनिंग हॉल था, डाइनिंग हॉल में टीवी था, अच्छा, तो डाइनिंग हॉल की टीवी देखते थे। ऐसा था कि डाइनिंग हॉल का टीवी जो था वो सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए, और फर्स्ट ईयर के लिए प्रेयर रूम में टीवी था। तो जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तब इतना पता नहीं था, मतलब फोड़ते मतलब जाते थे, सीनियर के सामने खड़े रहते थे, 2 पटाखा दिया तो फोड़ा इस तरह से। और जब हम लोग खुद सीनियर बने तब ज्यादा मजा आता है ना, होता है ना, सीनियर में ज्यादा मजे कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्चुअली अतनु का, मतलब हमारा अभी जो ससुराल है वहां पे अतनु का इतना फीलिंग नहीं आता, क्योंकि अतनु बड़े हुए हैं मोगमा में, है ना। मैं बड़ा हुआ हूँ झारखंड में, झारखंड धनबाद के पास में मोगमा बोल की जगह, वहाँ पे तो वहाँ पे अलग ही माहौल होता था। मोहल्ला से पहले ही हम लोग के घर में पटाखे आ जाते थे, तो हम लोग 2 भाई हैं, तो हम लोग का इमीडिएटली आने के साथ ही दोनों डिवाइड हो जाता था, ये मेरा वो मेरा, अभी आता। तो उसके बाद वो जितने भी डिवाइड के बाद जितने भी पोर्शन मुझे मिला वो मेरा प्रॉपर्टी है, और जितना भी भैया को मिला वो भैया का है। फिर हम लोग दोनों को अपना अच्छा 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 से रख के फिर धूप में रखते थे, ताकि अच्छा से और साउंड है, आवाज करे। फिर मोहल्ला के दिन में सुबह सुबह 5 बजे उठ के जाके वहां पे फोड़ना, उसको भी फिर से मतलब पूरा खत्म नहीं करना है, बाकी दुर्गा पूजा के लिए भी रखना है। अच्छा। उसको फोड़ने के बाद फिर आके हम लोग, पापा तो सुबह सुबह रेडियो लगा देते थे, तो रेडियो में आता था तो वो तो ऑसम। उसके बाद फिर टीवी में हम लोग देखते थे मोहल्ला। मुझे ना बचपन में टीवी में ज्यादा अच्छा लगता था, रेडियो में ना मतलब इतना अच्छा नहीं लगता था। जब हम लोग बड़े हुए तब मुझे रेडियो में सुनना अच्छा लगता है, रेडियो का ज्यादा अच्छा फीलिंग आता है। अभी मुझे रेडियो में सुनना ज्यादा अच्छा। ये सब चीजों का ना सबका एक एक स्टोरी होता है, सबकी लाइफ का एक एक स्टोरी होता है, कुछ ना कुछ स्पेशल रहता है सबके लाइफ का। तो आप लोगों की लाइफ का क्या स्पेशल है, क्या करते थे आप लोग, डेफिनेटली मुझे बताना, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि आप लोगों को भी ये चीज बहुत अच्छा लगता होगा। आप लोग भी सुबह पटाखा फोड़ना तो बहुत ही कॉमन है ना। हाँ, लगभग हम लोग का उधर तो हर एक जगह सब कोई पटाखे फोड़ते हैं, महालया से स्टार्ट हो जाता है पटाखे फोड़ना, वो हम लोग यहाँ पे मिस करते हैं। बैंगलोर में वो बात नहीं होती है, यहाँ पे वो चीज हम लोग बहुत मिस करते हैं। अभी हम लोग सुबह किसी के मतलब नीचे पटाखे फोड़ने जाए तो सब 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 उठ के आ जाएंगे कि क्या चल रहा है अभी, क्योंकि वहाँ पे तो कॉमन है, बहुत कॉमन है। मतलब नींद ही खुलती थी, मतलब आंख ही हम लोगों का खुलता था आवाज के साथ, पटाखे की आवाज के साथ, और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं रहता था उस टाइम। दुर्गा पूजा के बहुत सारे मेमोरीज है, कुछ कुछ टर्म्स है जो कि वो बात सुनने के साथ ही लगता है कि वाह दुर्गा पूजा आ गया है। सबसे पहली बात है पुजोर बाजार। पुजोर बाजार का मतलब है वाह आ गया दुर्गा पूजा, चलो शॉपिंग करने जाना है। अरे ऐसा होता था कि एक साथ फुल फैमिली जाते थे हम लोग इसके लिए, मतलब शॉपिंग के लिए पुजोर बाजार। तो मतलब हम लोग जाते थे मार्केट में सुबह से लेके पूरा शाम तक मार्केटिंग करते थे पूरा फैमिली का। अतरु मुझे एक चीज बोलता था, नहीं मेरे सासू माँ ने मुझे बोला था कि मम्मी और पापा डोसा खाते थे। हाँ, हम लोग रसगुल्ला खाते थे। वो बोलता था कि मुझे पता नहीं मुझे कब डोसा खाने को मिलेगा, हम लोगों को रसगुल्ला के रखा। शॉपिंग अच्छा असली में होता था क्या था, हम लोग शॉपिंग करने जाते थे तो शॉपिंग के बाद लगभग जब खत्म हो जाता था तो हम लोग एक वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, तो वहां पे जाके
पापा मम्मी डोसा खाते थे, हम लोग रसगुल्ला दे देते थे, खाना रसगुल्ला खाते थे। बहुत छोटे थे क्या? हाँ बहुत छोटे थे, पर बहुत अच्छा अच्छा मेमोरीज है, बहुत अच्छा लगता है वो सब। हम लोग कहीं जाते नहीं थे, मतलब बाहर कहीं नहीं जाते हैं, जाते थे एक्चुअली हमारे वहाँ पे ना एक शॉप था, एक अंकल का शॉप था मेरे पापा का जान पहचान का, तो पूजा शॉपिंग तो हमको वहीं से करना है। और मैं जब उसकी शॉप में जाती थी ना, तो अंकल को पता रहता कि मुझे किस टाइप का ड्रेसेस पसंद है, तो मैं जब भी शॉप में जाती थी तो अंकल बोलते थे, उसके दुकान की जो एक कर्मचारी रहता है ना, उनको बोलते थे कि देखो बिटिया आई है, उसके लिए जो स्पेशल वाला है ना वो निकालना। तो मैं जब छोटी थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो सुनना कि मेरे लिए कुछ स्पेशल रखते थे, और जो निकालते थे मुझे वही पसंद आ जाता था। तो बाद में मुझे पता चला कि वो मुझे बोलते थे ऐसा कि ताकि मुझे पसंद आ जाए, मतलब पापा बोल के रखते थे कि ऐसा आप बोलो जाके ताकि उसको पसंद आ जाए। लेकिन हाँ, मतलब सच में बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस मुझे स्टार्टिंग से ना मेरा था कि मेरे पसंद का मैं दो चार चूज करूँ, ऐसा कुछ नहीं था। जो मेरे पापा देते थे वही मैं लेती थी, मेनली जो अंकल देते थे वही मैं लेती थी, और मेरा ड्रेस हमेशा मेरे पापा का चॉइस का था, तो मेरे पापा का भी चॉइस ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट में था, तो मेरा ड्रेस ना या तो ब्लैक नहीं तो व्हाइट कलर का। और मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करती थी, मेरी मम्मी बोलती थी आज दूसरा कुछ कलर नहीं रहता है क्या शॉप में। तो मेरी मम्मी जब मुझे मतलब लेके जाती थी कुछ चीजें खरीदने के लिए, तो कलरफुल लेके आती थी, और मेरे पापा कुछ लेके आते थे मेरे लिए तो ब्लैक या व्हाइट। हम लोग का भी ऐसे ही होता था। जब हम लोग एकदम छोटे थे ना, तो हम लोग एक बराकरपुर की जगह है, वहाँ पे हम लोग शॉपिंग करते थे, तो पापा हम लोग सब आते थे, और वहाँ पे पापा का एक दुकान था, पापा हम लोग को वहीं पर लेके जाते थे। दुकान का नाम था भूल गया। तो पापा हमेशा हम लोग को वही दुकान में लेके जाते थे, तो हम लोग छोटे थे, बहुत छोटे थे, और सब सामान वहीं से खरीदते थे। अब उसके बाद जैसे थोड़ा बड़ा होने लगे हम लोग, तो फिर वो दुकान नहीं जाएंगे, दूसरे दुकान जाएंगे। फिर बराकर में थोड़ा धीरे धीरे वो डेवलप करने लगा, तो बाद में बहुत अच्छा अच्छा दुकान खुलने लगा, तब हम लोग वहाँ पे जाते थे। हम लोग का ड्रेस वगैरह वहाँ से लेते थे, मम्मी का साड़ी वगैरह, पापा का पैंट वगैरह वो पापा वहीं से लेते थे, पर हम लोग का जो रेडीमेड, हाँ तब से रेडीमेड कपड़ा लेना चालू किए हम लोग वहाँ पे बराकर में। बहुत सारा दो तीन बहुत अच्छा अच्छा दुकान खुला वहाँ पे, तब हम लोग वहाँ पे जाके रेडीमेड कपड़ा लेते थे, तब हम लोग बड़े हो गए। स्टिचिंग, उससे पहले स्टिचिंग था। पहले तो स्टिचिंग ही था, कपड़ा लेना था जाके बाजू वाले दुकान में स्टिच करवाते थे। मेरी मम्मी से मैंने सुना है, जैसे हम लोग, मैं कृति के साथ शेयर करती हूँ, तो मेरी मम्मी भी मेरे साथ शेयर करती थी, तो वो बोलते थे कि मम्मी का पापा जो थे ना वो बहुत ही मतलब बहुत पहले गुजर गए थे, तो मेरा मामा जो था वो मेरी मम्मी को बहुत प्यार करता था, और मामा जी कोलकाता में जॉब करते थे, तो मामा जी जब आते थे ना मम्मी के लिए, वो जो कपड़ा रहता है ना चेक चेक टाइप का, वही कपड़ा लेके आते थे। मेरे मम्मी लोग तीन बहन थे, तो तीनों के लिए सेम आता था, और दर्जी के पास जाके ना बोल देते थे एक साइज छोटा, एक साइज छोटा, एक साइज छोटा। हम लोग को भी होता था, तो हम लोग को भी दोनों भाई का होता था, सेम कपड़ा, सेम शर्ट, सेम पैंट। तो हमारा चाय का चर्चा तो खत्म हो गया है, लेकिन आज मेरी हेल्पर जो है वो नहीं आ रही है, तो और मुझे काम करने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मतलब मैं पाँच बजे से पहले ही उठी थी, तब से मैं बैठी हूँ, कुछ काम नहीं किया कि वो आके करेगी, और अभी मुझे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अभी फिर से पूरा घर क्लीन करना पड़ेगा, बर्तन करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आधा अधूरा जो पूजा का शॉपिंग था, पूजा बाजार जो था, तो हम लोग कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। कुछ ना है, और कृति आज सामने बैठी है मेरे पास, क्योंकि ऐसे ही बैठी है, उसको बैठना था तो मैंने उसको ले लिया है, पर पकड़ के रखूंगी, और अभी हम लोग निकल रहे हैं। सो लेट्स गो, लेट्स गो।
और अभी हम लोग आए हैं वीआर मॉल, और यहाँ पे आप जो जगह देख रहे हैं ये वीआर मॉल के एंट्रेंस है। यहाँ पे एक्चुअली कुछ स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, और कुछ शॉप भी है, एग्जीबिशन टाइप का भी आप बोल सकते हो, बहुत ही छोटा है। तो यहीं पे हम लोग आए हैं और कुछ खाना भी यहाँ से खा के जाएंगे, अगर कुछ मिलता है तो, नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो यहीं पे हम लोग आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे शॉप लगे हुए हैं। और ये यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉल बैठा हुआ है और अच्छा अच्छा खाना भी मिल रहा है। तो हम लोग वेज नूडल्स और रोल खा रहे हैं, और दोनों का थोड़ा बहुत शॉपिंग भी हम लोगों ने किया। शॉपिंग खत्म नहीं हुआ एक्चुअली मिल नहीं रहा है को। तो अभी हम लोग आ चुके हैं और अभी टाइम हुआ है 11 o'clock, और एक्चुअली हम लोग बहुत लेट करके निकले थे घर से, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया आने में। और खाना हम लोग पार्सल लेके आए हैं, यहाँ पे जो ढाबा है वो ढाबा का जो खाना होता है ना बहुत टेस्टी होता है, तो नॉर्मली हम वहाँ से ही रोटी और दाल मखनी लेके आते हैं, और थोड़ा चीप भी है तो वहाँ से हम लोग लेके आते हैं। और ऐसे नॉर्मली अगर हम लोग कहीं जाते हैं लेट से घर आते हैं तो डिनर वहाँ पे मिलता है, लंच नहीं मिलता है, तो डिनर के लिए हम लोग वहीं से लेके आते हैं रोटी एंड दाल मखनी। तो आज हम लोग वही डिनर करेंगे। तो आज का ये जो ब्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा जो बातें मैंने की है आप लोगों के साथ, जो चर्चा हम लोगों ने किए हैं वो अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी आपके लाइफ के साथ अगर कुछ सिमिलर मतलब आपको लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।